हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Study26 पे। और आज देखेंगे हम लोग कॉपी जो एग्ज़ाम की होगी वो किस तरह बनाना है या लिखना है। तो देखिए, आपको जो कॉपी मिलेगा जस्ट ऐसा ही मिलेगा, और ये कॉपी इतनी ही बड़ी होती है वहाँ भी एग्ज़ाम में। तो इसको पहले कॉपी को लीजिएगा, तो उसको पहले फोल्ड, ये देखिए हाफ कर दिए ना, दोनों तरफ से आप इसको बराबर करके मोड़ दीजिएगा, फिर एक बार मोड़िएगा, चार बार कॉपी को मोड़ना है, इस तरह आपका कॉपी हो जाएगा। उसका जो एक पोर्शन होगा ना, आगे का पोर्शन ये वाला, इसमें आपको नहीं लिखना है, ये पोर्शन आपको छोड़ना है, बाकी ये तीन पोर्शन में आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी आंसर लिखना है एक पोर्शन छोड़ना है, तीन पोर्शन में लिखना है। इसको इसलिए छोड़ा जाता है, जब कॉपी आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो दिया जाएगा यहीं पर दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस जगह को छोड़ देना है, इतना एक पार्ट को, और ये तीन पार्ट में लिखना है। तो अब देखिए, मेन चीज़ होती है कि कॉपी में क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए तीन सेक्शन में आपका रहेगा, एक सेक्शन में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बी सेक्शन में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो आप जानते हैं कि आपका वो चार क्वेश्चन होगा जो कि पाँच पाँच नंबर का यानी 20 नंबर का, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि तीन क्वेश्चन और 10 या 30 नंबर का ये होगा। तो जब भी आप आंसर सेक्शन ए का लिखेंगे तो ऊपर में सेक्शन ए लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक, और उसके बाद आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दो, फिर आंसर क्वेश्चन नंबर तीन, फिर आंसर, ऐसे करके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब लिखेंगे तो एक पेज को सीधा छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरे सेक्शन बी लिखेंगे तो उसका आंसर लिखिएगा, फिर सेक्शन सी, तो सब में सेक्शन ऊपर में लिखना है ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा होगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको कैसे लिखना है। तो पहला ये देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक ये जो पैराग्राफ देख रहे होंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए भारत के गौरवपूर्ण साहित्य के रूप में वेद पर प्रकाश डालिए, तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक उत्तर, उसके बाद हमने लिखा है उत्तर लिखेंगे। मेरे पास चूंकि चौथाई छूटा हुआ है इसलिए हम चौथाई को नहीं छोड़े हैं, बट जब आप एग्जाम में दीजिएगा तो अगर ये आपका चौथाई जो लाइनिंग वाला है ये नहीं छूटा हो तो आपको वही करना है कि चार बार फोल्ड करना है और एक फोल्ड को छोड़ देना है, और तीन जो लाइनिंग है उसमें आपको लिखना है आंसर। तो उसमें आप यही एक पैराग्राफ में आपको ये आपको रखना है इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ आप जो देख रहे हैं इसमें बातों को लिखेंगे जो मेन चीज़ें होंगी, तीसरा वेद के प्रकार, वहाँ पे इसी को बोला जाता है डायग्राम, जो कि आप देख रहे होंगे ये डायग्राम है, चौथा इसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा, इसी तरह लिखना है। तो देखिए इसमें मेन चीज़ जो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय होता है उसमें आपको परिचय, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो लिखना है, फिर तीन से चार पेज का आपको एक, मतलब तीन चार पेज में आपको इसके बॉडी को लिखना है, यानी कि उसमें जो जो चीज़ें होंगी उनको लिखना है। लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो एक चीज़ आपको बताते जाएं, जब भी कॉपी में लिखेंगे अगर बातें नहीं भी आए तो इंट्रोडक्शन सही लिखिएगा आधा पेज का, उसके बाद जो तीन चार पेज लिखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातों को लिख दीजिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता हो, यानी सही रूप से आपको नहीं भी जानकारी हो, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया हो उससे रिलेटेड जो भी बातें आपको पता हो ना, तो उसको तीन से चार पेज में आप लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें आपको पता होंगी, आपको कुछ बातें नहीं भी पता होगी तो उसको भी आप लिखेंगे। उसके अलावा देखिएगा हर एक क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, जो कि 10 से 12 लाइन का होगा। उसके बाद जहाँ पे मैप बने तो उसमें मैप का भी यूज कीजिएगा, जैसे देखिए भारत में उद्योग, तो उसमें कौन कौन उद्योग है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको मैप बनाना हो तो मैप इसी तरह बनेगा, ये डायग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम का यूज जरूर करिएगा, जैसे वस्त्र उद्योग होता है, जैसे भारत में उद्योग है तो वस्त्र उद्योग है, हथियार उद्योग है, कास्ट उद्योग है, चर्म उद्योग है, जहाज उद्योग है, शिल्प उद्योग है, अन्य उद्योग, यानी सभी प्रकार के उद्योग, तो इस तरह का डायग्राम, मतलब पॉइंट को आप डायग्राम में इसी तरह से दिखा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर भी अच्छा लगेगा और आपके जो भी प्रश्न होंगे ना तो उसको टीचर देखेगा तो वो प्रभावित भी होगा। मान लीजिए कहीं पर इंडिया का मैप बनाना हो, साउथ इंडिया का, तो ऐसे आप बना देंगे तो इससे क्या होगा कि उस एग्जामिनर को पता होगा कि इनको मैप बनाने भी आता है, तो ये मैप का जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने का हर एक क्वेश्चन में, तो ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद कॉपी को जब लिखना है तो इसी तरह इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर बॉडी तीन से चार पेज का, और फिर निष्कर्ष लिखना है, तो यही आपका फॉर्मेट रहेगा। कॉपी को जो दबाना है यानी कि जो बांटना है तो वो आधा एक बार, और फिर उसको आधा कर दीजिएगा, यानी चार बार कॉपी को दाबिएगा, उसका एक
पार्ट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद के पार्ट यानी तीन हिस्से में आपको लिखना है, एक हिस्से में नहीं लिखना है, तो ये ध्यान में रखने हैं आपको। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों ही मेंशन करना है आपको आंसर लिखते हुए। जिस सेक्शन का आंसर लिखेंगे उस सेक्शन को जरूर उस क्वेश्चन के ऊपर में लिखिएगा, और जिस सेक्शन का आंसर लिख रहे होंगे वो जब तक सेक्शन खत्म ना हो तब तक उस पेज को उलटाइएगा नहीं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।